एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो गणेश चतुर्थी के पहले थोड़ी शॉपिंग तो होती ही है, तो हम निकल पड़े हैं मार्केट। और यहाँ पे हमने ट्रेंड गए थे लेकिन हमें कुछ कुछ पसंद नहीं आया। फिर हम मैक्स गए और रिशु के लिए ये टी शर्ट लेके आए थे, और फिर वापस आके हम यहाँ पे डिनर किए क्योंकि लेट हो गया था और घर पे बना के खाने का तो टाइम नहीं होगा, तो इसलिए 10-10:30 बजे हम यहाँ डिनर कर लिए थे। और नेक्स्ट डे गणेश पूजा था, तो फिर यहाँ पे हमने घर पे, जैसे पूजा होता है तो पहले घर पे थोड़ी सी पूजा की हम मैंने गणेश भगवान की। और क्योंकि गणेश चतुर्थी थी तो इसलिए स्पेशली मैंने थोड़े से बलून्स भी लगाए थे और डेकोर किया था। और हमें पूजा के लिए रिशु के स्कूल भी जाना था, तो इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ। और यह है रिशु, बिल्कुल भी मेरे साथ नहीं आ रहा था। और ये देखिए, रिशु के स्कूल में कितना सुंदर डेकोर हुआ था, बहुत अच्छे से। और यह रहा रिशु, और ये उसकी फ्रेंड है, तो हमने बहुत सारे फोटोज़ क्लिक किए रिशु के फ्रेंड्स के साथ, सेल्फी ली। और ये है गणपति जी, और यहाँ पे रिशु मैंने उससे पहली बार देखा कि अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ इतना खेल रहा था, मज़े कर रहा था। और फिर उसके बाद हम एक और जगह गए गणपति देखने, और यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर डेकोर हुआ था। और हमने प्रसाद लिया, और फिर घर वापस आके मैंने थोड़ी सी अनबॉक्सिंग की, आप आगे देखिए। तो आज है गणेश पूजा, आपने देखा ना मतलब कैसे पूजा हुआ, और हम तैयार हुए थे बहुत अच्छे से, और गणेश भगवान के दर्शन करके आए हम लोग, प्रसाद भी खा के आए। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैंने सब कुछ जो पहना था मैंने निकाल दिया है, और क्योंकि मुझे ये सब जो पार्सल जब मैं आई, मेरे घर के सामने ये सब पड़े हुए थे, भैया डाल के गए थे, तो मैंने सोचा कि अब इसको खोलना है तो मैं आप लोगों के सामने ही खोल लेती हूँ ना, इसको अनबॉक्स कर लेती हूँ, देख लेंगे क्या है साथ में। पूरा फट गया, रिटर्न करना होगा तो कैसे करेंगे। तो ये जो टॉप है मैंने मीशो से मंगाया था, और बहुत ही प्यारा एक लाइट ब्लू कलर का ये टॉप है, मैं पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी, लेकिन ये तो एकदम क्रॉप टॉप जैसा ही मेरे को होगा, भी तो लगता नहीं ये मेरे को होगा मोटी हो चुकी हो। तो देखा आपने, लेकिन टॉप बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है काफ़ी प्राइस के हिसाब से। तो चलो अभी हम ये नहीं, ये वाला, ये थोड़ा सा बड़ा पैकेट है तो खोल लेते हैं। वाह, ये जो पर्स है ना, ये मैंने एक स्लिंग बैग मंगाया है विमेन मार्क्स की तरफ से। मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो वुमेन मार्क्स का जो पर्स है बहुत ही अच्छा है। और मैंने सेम बैग ना, मैंने मिंत्रा में मैंने देखा है 500 समथिंग, और फ्लिपकार्ट में शायद 480 के आसपास था, लेकिन मुझे मीशो से ये 400 में मिला है, और ये काफ़ी अच्छा है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी चलेगा, बट क्वालिटी बहुत ही अच्छी है देखिए, और काफ़ी सुंदर है ये बैग देखिए, इसका प्रिंट क्वालिटी भी काफी अच्छी है। वाओ, डिटैचेबल है, ऐसे भी आप लेके जा सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा लगेगा। और ये काफी प्यारा लग रहा है, इतना प्लास्टिक वेस्ट देखिए, ये गलत बात है, कितना सारा प्लास्टिक देखिए, ये गलत बात है बिल्कुल। तो इसके अंदर से ये ऐसा कुछ दिखता है, दो ऐसे पार्टीशन करने के लिए ऐसा है, और इसमें भी चेन है, तो ओवरऑल ये काफी अच्छा है। और अब हम ये नेक्स्ट, ये लास्ट वाला छोटा सा देख लेते हैं। ये भी एक टॉप टी शर्ट जैसा है कुछ इस टाइप का, ये मैंने थोड़ा सा ऐसा डेली यूज टाइप के लिए मंगाया है, ऐसे ही कभी आसपास मार्केट वगैरह जाना हो तो नॉर्मल। मुझे आपने अक्सर टी शर्ट में ही देखा होगा, क्योंकि मुझे कंफर्ट ज़्यादा पसंद है, मतलब चाहे कुछ भी अच्छा लग रहा हो, जैसे कि अभी ये ड्रेस, जानती हूँ मैं टी शर्ट वगैरह से इस ड्रेस में ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ, लेकिन मुझे कंफर्ट ज़्यादा पसंद है, कि मैं कैसे लग रही हूँ उससे ज़्यादा मुझे कम्फर्ट पसंद है, तो इसलिए मैं कम्फर्टेबल कपड़े ही पहनना पसंद करती हूँ। आज की ये व्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर।